चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आज का कम्युनिटी बाजार, शेयर बाजार का अपडेट और आज का राशिफल। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहां पे राशिफल से, और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। शुभ प्रभात अखिलेश शाटी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक फाइनेंस डिजिटल चैनल एवं मार्केट टाइम्स टीवी के सभी प्रयासों से ये शो प्रसारित किया जा रहा है। आज 15 फरवरी सन 2022 मंगलवार, आज का राशिफल भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5, 9 में सिंह धनु राशि। आज का दिन संभवतः मुफीद न रहे, परेशानियां बढ़ सकती हैं, आया हुआ मुनाफा हाथ से निकल सकता है। 12 से 1 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि, यह है पृथ्वी तत्व की राशि। निश्चित रूप की तरफ इशारा, एक कदम पीछे, करूं ना करूं, रुक जाऊं, देख लूं, समझ लूं, इस तरह की दिमागी स्थिति रह सकती है। 1 से 2 बजे के बीच में स्क्रीन छोड़ के कहीं मत जाइए। मुनाफा आया हुआ मुनाफा नुकसान में तब्दील हो सकता है। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला, कुंभ राशि है वायु तत्व की राशियां। आप रुख आपके फेवर में हो सकता है, सितारे आपकी मदद करने के लिए आतुर है, लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में आपको रखिए अतिरिक्त सावधानी। 4, 8, 12 यानी कर्क राशि और मीन राशि निश्चित रूप की तरफ इशारा कर रही है। 3 से 4 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। मतलब है कि आप एक ही औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया में, एक ही मंडी में, एक ही परिवार के अंदर अनेक सदस्य होते हैं, अनेक व्यापारी होते हैं, अनेक उद्योगपति होते हैं, एक ही तरह का व्यापार करने के बावजूद भी सबकी आर्थिक स्थिति अलग अलग क्यों होती है। एक ही तरह का माल है, एक ही तरह का जगह है, एक ही किया है, ये सब ग्रह स्थिति पर निर्भर करता है। यदि आपके एलिमेंट्स मिसमैच हैं, यानी अग्नि कारक ग्रह के व्यक्ति यदि जल तत्व के व्यक्तियों से संपर्क करेंगे तो उनमें मिसमैच होता है। अग्नि कारक ग्रह के व्यक्ति जल तत्व की राशियां या जल तत्व के संबंधित व्यवसाय या कारोबार करेंगे तो निश्चित मानिए वो मिसमैच होगा, वो उसमें वो मुनाफा आ ही नहीं सकेगा। बॉलर बैट्समैन की जगह काम करेगा, कभी कभी तो कचल सकता है लेकिन हर रोज वो बैट्समैन की ड्यूटी नहीं निभा सकता है। बॉलर बॉल से चमत्कार दिखाता है, बैट्समैन बैट से चमत्कार दिखाता है, ऑलराउंडर दोनों से दिखाने का प्रयास करता है, ये एक परिपाटी है। और भारतीय ज्योतिष इसमें सबसे अधिक कारगर सिद्ध हुआ है आइडेंटिफाइड करने के लिए, पहचानने के लिए कैसे कौन सा तत्व किसके साथ मुआफिक है, यही राशियों का रहस्य है। जी अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी, इसी के साथ कर्नल अजय जी शुरुआत करें यहां से अगर कमोडिटी बाजार की, तो कृषि फसलों में, मसालों में देख रहे हैं कि ठीक ठाक तेजी देखने को मिली है, लेकिन आज देख रहे हैं कि धनिया और जीरा कुछ हल्की सी करेक्शन के साथ कारोबार करते नजर आ रहे हैं वायदा बाजारों में एनसीडीएक्स पर। आपकी क्या राय रहेगी अगर सबसे पहले शुरुआत अगर धनिया से की जाए तो? देखिए, कोरिएंडर ने शानदार मूवमेंट दिया, 40% की एक तरफा तेजी 2 महीने में कोरिएंडर ने दिखा दी है। और जो भी कोरिएंडर जिन्होंने हमारे शो देखे हैं, हमसे बात की है, चर्चा की है और उस पर और उनको हमने कोरिएंडर में निवेश की जो सलाह थी वो निश्चित रूप से आकाश छू गई। अब जहां तक जिन व्यक्तियों ने 6400 के दाम पे धनिया खरीदा है, वो जब 11000 से ऊपर का धनिया आ चुका है तो उसके अंदर उनको मुनाफा वसूली का एक सबब होता है। यानी जरूरी नहीं है कि आप वो पूरा ही माल निकालें और कुछ माल वो प्रमुख, क्योंकि प्रॉफिट वो जो आपके घर आ जाए, प्रॉफिट वो जो आपकी जेब में आ जाए, प्रॉफिट वो जो आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाए, प्रॉफिट वो नहीं जो डब्बे में रहे, प्रॉफिट वो नहीं जो माल में रहे, प्रॉफिट असली प्रॉफिट वही होता है, ये व्यापार का नियम है।
तो जो ऊपरी स्तरों के ऊपर जिन्होंने बहुत नीचे स्तर पर माल खरीदा है वो थोड़ा सा मुनाफा वसूली करते हैं, तो इस वजह से बाजारों में थोड़ी सी वॉलिटिलिटी रहती है और बाजारों के अंदर सांस लेना और छोड़ना दोनों पड़ता है, तो उसको देखते हुए वॉलिटिलिटी रहने की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन जो अच्छी कमोडिटी है जिसके अंदर और आगे भी तेजी बनने की संभावना बन रही है वो है लाल मिर्च। लाल मिर्च के अंदर बिल्कुल अब और जबरदस्त तेजी बनने की संभावनाएं बढ़ रही है। लाल मिर्च के जो कारोबारी है वो ध्यान से समझ लें, देख लें, परख लें। मुझे लगता है कि ग्रह स्थिति अनुसार और फंडामेंटल एनालिसिस जो है, जो लाल मिर्च के जो तीनों दक्षिण भारतीय राज्य है, चाहे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, वो उनमें सभी के अंदर लाल मिर्च के अंदर अच्छी, क्योंकि किसान अब माल अच्छा माल बाजार में धीरे धीरे कम लाएगा और उससे बाजारों के अंदर तेजी की बनने की संभावना और अब प्रबल होती जा रही है, ये हमारा आकलन। जी अखिलेश जी। जी कर्नल जी, इसके साथ कर्नल जी बात करें अगर जीरे की, तो जीरा 21,000 के ऊपर जा चुका है, आपको क्या लगता है क्या मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए या फिर यहाँ से अभी और तेजी बनेगी फिर मुनाफा वसूल की ओर जाए? देखिए जिसने हमारी सलाह से 14,000 के आसपास की जो से जो बाइंग की थी, 14,000-15,000 के आसपास से जो बाइंग की थी, और उनको मुनाफा थोड़ा ले लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप मुनाफा, जैसे मैंने कोरिंडर में भी कहा, क्योंकि देखिए रणनीति सब एनालिसिस की अलग अलग होती है। हमारी रणनीति ये होती है कि जब आपने निचले स्तर के ऊपर माल पकड़ लिया है और उस मकड़ के आप उसके अंदर आपको जब अपने अच्छा 30-40% का आपको अपना मुनाफा मिल रहा है, तो उस मुनाफा में कुछ मुनाफा घर जरूर लेना चाहिए, क्योंकि तेजी 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 और बड़ी तेजी, ये इस परिपाटी पे हमारी रणनीति नहीं रहती। हमारी रणनीति यही रहती है कि निचले स्तर पे बिल्कुल गिरावट पे माल खरीदो और उच्चतम स्तर पे जो आ रहा है ऊंचे स्तर के ऊपर 30-40% बढ़ गया है तो उसमें कुछ मुनाफा अपने जेब में रख लो और कुछ बचा के रखो जो आगे के लिए रहे। लेकिन यदि आप मुनाफा ही नहीं लोगे तो व्यापार कैसे करोगे? क्योंकि उन मार्केट मेरे साथी बंधुओं से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, जब तेजी आ जाती है उसके बाद आप तेजी करेंगे तो उसमें 10-5% की टूटत होगी तो वो खरीदने वाला तो मर जाएगा जी, क्योंकि 10-12% का आजकल जो व्यापार है कॉम्पिटिटिव बाजार है। यदि उच्चतम स्तर पे आपने माल खरीद लिया और जरा सा भी झटका नीचे लगता है तो उसका व्यापार चौपट हो जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि यदि आपको खरीदना है तो जब मंदी का है जब आप खरीदो, और जब तेजी में आए तो उसको माल बेचो, और तेजी में करते ही और 5-7% जैसे आपने कपास खली का आपको उदाहरण दे रहा हूं कि अभी कुछ समय पहले, कुछ सप्ताह पहले कपास खली 3400 से ऊपर का भाव चल रहा था, उस वक्त हमने कहा था कि आप पॉज आ सकता है, कुछ कमजोरी हो सकती है, कुछ मुनाफा वसूली हो सकती है। वो 3400 का भाव जैसे ही 3100 रुपए के आसपास आया तो जिसने 3400 रुपए की कपास खली ली 4,000 को देखते हुए, और वो जैसे ही 8-10% टूटा उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं, आप क्या करें? क्योंकि इसके अंदर लागत लगती है, इसमें पैसा लगता है, तो प्रश्न यही है। और वो फिर जैसे ही माल छोड़ता है उसके बाद धीरे धीरे फिर वो कमोडिटी ऊपर चढ़ने लग जाती है, तो फिर दोष देने लगते हैं कि सर डब्बे में तो बड़ी परेशानी है, डब्बे में तो बड़ी तकलीफ है। और सेम चीज कपास के अंदर हो रही है। कपास के अंदर जब नीचे भाव में हम कह रहे थे कि कपास खरीदिए, कॉटन खरीदिए, कॉटन अच्छा है, वो उस वक्त नहीं खरीदी। अब जब 40-50% बढ़ जाती है उसके बाद आप खरीदते हैं, उसके बाद जरा सा नीचे आते हैं तो फिर परेशानी हो जाती है। और यही समस्या जितने भी बड़े जिनिंग मिल हैं, स्पिनिंग मिल्स हैं, टेक्सटाइल वाले हैं, सभी को ये बड़ी परेशानी है। जब फसल आया माल नहीं खरीदा, उस ऊंचा ये सोच के माल नीचे गिरेगा, और जब ऊंचे भाव आ गए जरा सा करेक्शन हुआ तो उनको फिर बड़ी परेशानी। इसलिए आधे से ज्यादा जो मिल ऑनर जो आज हैं, यही हाल सोयाबीन के अंदर है, तो उनको बड़ी परेशानियां जब आती हैं कि जब वो टाइमली प्रॉफिट नहीं निकाल पाते हैं, टाइमली माल नहीं खरीद पाते हैं, और दोष वो सारा तेजी को दे देते हैं या मंदी को दे देते हैं। तो ये फेलियर बाजार का है, बाजार का नहीं है, ये फेलियर ट्रेडर का है, क्योंकि उसका आकलन, उसका विश्लेषण सही नहीं बैठ रहा है, तो उसका दोष वो बाजार को देने लगता है। आप सोयाबीन है, सोयाबीन के भाव अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर सबसे बड़े तेज हो गए। यदि आप देखें सोयाबीन के क्रूड पाम ऑयल के या आपके ये सनफ्लावर के, इनके दाम यदि आप देखें पिछले एक महीने के अंदर शानदार हो गया। और यदि हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात माने तो खाद्य तेलों में 16% की इंपोर्ट में वृद्धि हो चुकी है। और यदि तो ये सब
आपको अनुमान और विश्लेषण उन विशेषज्ञों के साथ रहना पड़ेगा जो आपको सटीक आगे गिरते बाजारों में आगे की बात बोले। तेज बाजारों में सब सब तेज बोलने लगते हैं और उसमें हमेशा नुकसान ही होता है, ये मेरा कहना है। जी अखिलेश जी, जी कर्नल अजय जी, इसी के साथ बात करें अगर ग्वार की, तो ग्वार में आपको क्या लगता है, क्योंकि देख रहे हैं कि बीच में तेजी बनी हल्की सी, फिर आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, आपकी क्या राय रहेगी? देखिए ग्वार सीड हमें एक बहुत मिस्टीरियस रहस्यमयी कमोडिटी होती जा रही है जी, क्योंकि बहुत छोटी कमोडिटी है, बहुत कुछ सीमित लोगों के हाथ में इसका कारोबार है, जो राजस्थान राजस्थान में भी पश्चिमी राजस्थान देख लें, अधिकतर हरियाणा और गुजरात के कुछ इलाकों के अंदर इसकी ट्रेडिंग और इसकी पैदावार होती है, और वहीं के जो कारोबारी हैं, वहीं के जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो इसको डील करते हैं। अब बड़ी समस्या ये हो रही है कि गवार की बिजाई कम है, बाजार अच्छे गवार की अराइवल कम है, क्योंकि मौसम की मार ने कुछ दागी कर दिया। अब ऑर्डर्स इनके एक्सपोर्टर्स के हाथ में जो सूचना मिल रही है, इनके पास अच्छे ऑर्डर्स हैं, लेकिन बाजार के अंदर ये प्रेशर के तेज मंडरिए बनाना चाहते हैं ताकि लोग माल छोड़े। अभी आप पिछले डेढ़ से दो महीने में आप देखें गवार सीड बिल्कुल स्टैग्नेंट रहा है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये तेजी भी दिखाया है, 6500 के भाव दिखा दिए, ये 6000 से नीचे के भी भाव चले गए थे। तो इस कमोडिटी के अंदर वो ही कामयाब होगा जो धैर्य रखेगा, और मेरा आकलन ये कह रहा है कि अब गवार कमजोर हाथों में है ही नहीं जी। जो जिनके पास गवार सीड और गवार गम है वो मजबूत हाथ हैं, और वो किसी कीमत के ऊपर उनको महसूस हो गया है कि ये इसमें पैसे अच्छे मिलेंगे, तो वो बाजार में माल छोड़ने को तैयार नहीं है, और किसान भी अच्छी क्वालिटी का गवार इतनी आसानी से नहीं बेचेगा जब तक उसको जरूरत नहीं होगी, क्योंकि घरेलू जरूरत ऐसी है किसी को भी कभी भी आती है, जब तक वो नहीं आएगी वो किसान बेचने को तैयार नहीं है। तो इसको देखते हुए ये उतार चढ़ाव NCDX में जरूर रह सकता है, लेकिन इसमें घबराने और परेशान होने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जी अखिलेश जी, जी इसके साथ कर्नल अजय जी बात करें यहां से अगर अब नॉन एग्री की, तो नॉन एग्री में आज आपको क्या लगता है? नॉन एग्रीज में देखिए अभी सोना चांदी तेजी दिखा रहा है, लेकिन इन स्तरों पे मैं खरीदने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये तेजी मुझे क्षणिक लग रही है, और ये जियोपॉलिटिकल टेंशन दरी सी बढ़ी जिसकी वजह से गोल्ड ने तेजी दिखा दी, और जियोपॉलिटिकल टेंशन का जो अब मुझे लगता है कि इन जो ये टेक्निकल लेवल्स हैं, इन लेवल्स के ऊपर खरीदारी नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए, रोकना चाहिए, यही मेरा कहना है। जी इसी के साथ कर्नल अजय जी बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में भी देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से सबसे ज्यादा जो कमोडिटी इंपैक्ट हो रही है वो कच्चा तेल और नेचुरल गैस है। रशिया और यूक्रेन काफी बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं कच्चा तेल और नेचुरल गैस के मामले में ग्लोबली अगर बात की जाए, और अब दोनों में विवाद है, तनाव भी देखने को मिल रहा है, बीच में अब अमेरिका भी कूद पड़ा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है अब कच्चे तेल की जो कीमतें आगे रहेंगी और नेचुरल गैस की जो रहेंगी, ये फंडामेंटली रहेंगी या टेक्निकल इसमें खेल देखने को मिलता रहेगा? देखिए अखिलेश जी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि एक दाम निकली या कैसिया। देखिए टेक्निकल एक सेकंड के अंदर चेंज हो जाते हैं जी, जो टेक्निकल लेवल अभी सेलिंग के दिखा रहे होंगे तो आपको पता लगा कि आधे घंटे के बाद वही बाइंग दिखा रहे होंगे, तो टेक्निकल लेवल्स इट इज फ्लक्चुएटिंग डाटा है, फ्लक्चुएटिंग टेक्निक्स हैं, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा दिमाग लगाना उचित नहीं है। मैं गैस के ऊपर जो आपका नेचुरल गैस है या उसके ऊपर मैं कुछ आपको अपडेट देना चाहता हूं, और ये मेरी उम्मीद है कि ये ऐतिहासिक हो ये वीडियो और ये शो, और ये लाइव शो हम आज 15 फरवरी सन 2022 पे कर रहे हैं। मैं अग्रिम कुछ सूचनाएं या कुछ विश्लेषण आपसे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं आपके जरिए। देखिए यदि आपको याद होगा कुछ समय पहले एनर्जी क्रंच हुआ था, यानी ऊर्जा संकट हुआ था यूरोप के अंदर, जिसमें चाइना और पूरे वर्ल्ड में उसका फैलाव हुआ था, उससे औद्योगिक इकाइयों को भी बड़ी परेशानी हुई थी, और गैस आधारित जो भी उद्योग थे या इलेक्ट्रिसिटी के आधारित या बिजली पे चलने वाले जो भी उद्योग थे उनको बड़ी समस्या और परेशानी का सबब देखना पड़ा था। आने वाले एक महीने के अंदर ऐसा दोबारा होने की संभावना है, क्योंकि रशिया और यूरोप के बीच में गैस लाइन है और गैस पाइपलाइन है, और उसके अंदर डिस्टर्ब होते ही
यूरोप को एनर्जी संकट का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे यूके हो, चाहे फ्रांस हो, या यूनाइटेड किंगडम या हो, यानी ग्रेट ब्रिटेन हो, इन सबको परेशानी का सबब हो सकता है और इसका सीधा सीधा प्रभाव पूरे देश, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में पड़ता है। तो ये रूस और रशिया और अमेरिका के बीच में ये साधारण टेंशन नहीं है, क्योंकि रशिया यानी जो रशियन प्रेसिडेंट है मिस्टर पुतिन, वो कभी नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन अमेरिका के खेमे में चला जाए, क्योंकि यूक्रेन पहले यूएसएसआर का हिस्सा था, यानी जो सोवियत रूस का एक हिस्सा था जो डिसइंटीग्रेटेड होके अलग हो गया था, और यूक्रेन के जो प्राकृतिक संपदा का जो भंडार है और वो अमेरिका उस पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है, जो कि पुतिन को किसी भी कीमत पे एग्री नहीं होगा वो, और यही वजह है कि काला सागर के अंदर जबरदस्त युद्ध अभ्यास चल रहे हैं, उसके अंदर सबमरीन्स हैं और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और परमाणु पनडुब्बियां हैं, सारा जमावड़ा बिल्कुल उस काला सागर में हो चुका है। अब क्योंकि युद्ध हमेशा आखिरी स्तर पे होता है, क्योंकि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं समझौते के, जब युद्ध होता है वही, और ये जो युद्ध हो, यदि ये टेंशन बढ़ता है तो ये कि ये बहुत बड़ा टेंशन होगा, इसके लिए पूरे ग्लोबल इकोनॉमी इसको इंपैक्ट हो सकती है आने वाले समय के अंदर। मुझे जो लग रहा है कि अमेरिका रशिया के ऊपर प्रतिबंध और इकोनॉमिक तरीके से उसको घेरने की कोशिश करेगा, जिसका असर रशिया पे पड़े, और उसके अंदर गैस पाइपलाइन सबसे महत्वपूर्ण होगा और रशिया की इकोनॉमी, देखिए बहुत समझने की जरूरत है कि इसकी रशिया की इकोनॉमी गैस और तेल के ऊपर सबसे ज्यादा निर्भर है, और यदि गैस और तेल की आपूर्ति में बाधा आती है, उनकी प्राइसिंग के अंदर फ्लक्चुएशन होता है, तो इससे सीधा सीधा असर रशियन इकोनॉमी पे पड़ता है, और अमेरिका संभवतः अपना ये हथियार इस्तेमाल करे। यदि आपको याद होगा कि 2018 के अंदर, यदि आप जो भी दर्शक क्रूड ऑयल को या एनर्जी को बहुत नजदीक से ट्रैक करते हैं, 2018 के अंदर सऊदी अरेबिया की मदद से अमेरिका ने क्रूड ऑयल के प्राइस 2018-19 के अंदर बिल्कुल रसातल में ले गए थे, और उससे रशिया को बहुत बड़ी इकोनॉमिक संकट आई थी, और अल्टीमेटली रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने सऊदी अरेबिया को कहा कि आप सुधर जाओ वरना मैं आपको स्टोन एज में पहुंचा दूंगा। स्टोन एज का मतलब जब लड़ाई ईंट और पत्थरों से होती थी, तो उस धमकी के बाद में सऊदी अरेबिया ने धीरे धीरे प्राइसिंग बढ़ाई और उसका असर अब वो $90 से 92 डॉलर से ऊपर हो गया। तो कहने का मतलब है कि क्रूड ऑयल जो है ये भी एक हथियार है, नेचुरल गैस ये भी एक हथियार है लड़ाई का, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और ये इस्तेमाल होगा। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ, ये हथियार यूज करेगा और आने वाले चंद सप्ताह में मार्च तक इसका असर दिखने को मिलेगा, और गैस की प्राइसेज आकाश छूने लगेगी, क्रंचेज होने वाले हैं, ये ऐसा हमारा अनुमान है। यदि भी मैं चाहता हूँ कि ये हमारी भविष्यवाणी गलत साबित हो, लेकिन जो ग्रह कह रहे हैं उसको मैं आपको नहीं बताऊं तो मेरा काम पूरा नहीं होगा। गौरतलब है कि आपको हमने COVID-19 की भी वैक्सीन का एब्सोल्युटली करेक्ट टाइम निकाल के दिया था, और कौन सी कंपनी सबसे पहले पहल लेगी इसका भी अग्रिम अनुमान दिया था। दक्षिण पश्चिम मानसून की भी सटीक भविष्यवाणी की थी, सोयाबीन की और कॉटन की तेजी के ऊपर भी आपको सटीक भविष्यवाणी दी थी, प्याज के ऊपर अद्भुत चमत्कारिक भविष्यवाणी दी थी, इसके अतिरिक्त पल्सेस के अंदर तेजी की अग्रिम भविष्यवाणी दी थी आपको, और काली मिर्च और लाल मिर्च के ऊपर भी, धनिया और कोरिएंडर, धनिया और जीरे के ऊपर भी आपको दी थी, जो कि सत्य साबित हो रही है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण ये होगा कि ये जीत भारतीय ऋषि मुनियों की है, जिन्होंने सदियों से पहले ऐसे फार्मूले बनाए, ऐसे सिद्धांत बनाए जिससे आप सटीक अनुमान लगाने में सक्षम हो जाते हैं, लेकिन फायदा सिर्फ वही उठा पाते हैं जो इसको समझते हैं। वो फायदा नहीं उठा सकते जो सुबह शाम की तेजी मैंने में घंटे दो घंटे के अंदर पैसा लगाते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं, फिर कर लेते हैं तो, और वो तेजी में तेजी कर रहे होते हैं, मंदी में मंदी कर रहे होते हैं, ऐसे लोग कभी भी फायदा नहीं उठा सकते। जो व्यापारी हैं, बड़े स्टॉकिस्ट हैं, मिल ऑनर्स हैं, आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर सामान खरीदना चाहते हैं, स्टॉक करना चाहते हैं जो रॉ मेटेरियल, उनके लिए ये वरदान साबित होता है। ये अखिलेश जी,
कर्नल अजय जी, इसी के बीच कच्चे तेल और नेचुरल गैस पे मेरा एक और सवाल रहेगा। जैसे कि आपने बताया कि जो अमेरिका है रशिया पर एनर्जी क्राइसिस थोड़ा जो प्रेशर है वो बना सकता है, जिसकी वजह से जो रशिया की जो इकोनॉमी है वो इम्पैक्ट हो सकती है। ऐसे में अगर रशिया और यूक्रेन से यूरोप को होने वाली क्रूड और नेचुरल गैस की सप्लाई बाधित होती है, तो क्या इसका फायदा कहीं ना कहीं अमेरिका बीच में घुसकर उठा सकता है? क्योंकि यूरोप को ऐसे भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो अमेरिका है बीच में इसलिए भी आ रहा है जिससे कि अमेरिका में की जो कच्चे तेल और नेचुरल गैस की जो कीमतें हैं वो ज्यादा देखने को मिले और वो यूरोप को सप्लाई कर पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, यही हमारा आकलन है। जी इसी के साथ कर्नल जी, बात करें अगर स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में आपको क्या लगता है आज स्टॉक मार्केट में कैसे रुझान रह सकता है, किन स्टॉक में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है? स्टॉक मार्केट में आज मैं निफ्टी पे नजर नहीं रख के स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक्स पे नजर रखने की सलाह देता हूँ। आप नजर रखिए टीसीएस का, क्योंकि इसमें बायबैक का अच्छा वो दिया है। इसके अलावा आप एचसीएल पैक पे नजर रखिए, ये भी एक अच्छा मुनाफा दे रखता है। इसके अलावा आपको ये कोविड की सारी रजिस्ट्रेशन हट रही है, तो अतः आप लीकर स्टॉक्स हैं जैसे यूनाइटेड ब्रेवरेज हुआ या फिर रेडिको खेतान हुआ, इनके ऊपर भी नजर रख सकते हैं। इसके अलावा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर भी नजर रख सकते हैं, क्योंकि एलआईसी का आईपीओ बिल्कुल दे चुकी है सरकार को एलआईसी, तो इन सबके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। सीमेंट स्टॉक्स भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, इंडिया सीमेंट है, श्री सीमेंट है, एसीसी है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, इनके ऊपर भी नजर रखी जा सकती है। ऑटोमोबाइल स्टॉक्स के अंदर आप मारुति है या अशोक लीलैंड है, आयशर मोटर है, इनके ऊपर नजर रख सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के जो स्टॉक्स हैं उनको आप नजर में रखें तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। इसके अलावा कोल इंडिया के ऊपर भी नजर रखी जा सकती है कि कोल इंडिया के नतीजे भी बहुत बढ़िया आती है और आने वाले महीने दो महीने के अंदर संभवतः कोल की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि कोयले की कमी काफी हद तक महसूस की जा रही है और इससे जो कोल बेस्ड जो एनर्जी से प्लांट है, एनर्जी संयंत्र है, पावर संयंत्र है, उनके अंदर भी कमी आ सकती है। तो कोयले के पहले भी अभी भी ये उच्चतम स्तर पे चल रहे हैं 4 साल के और इसमें तेजी की संभावना है, इसका पूरा पॉजिटिव असर कोल इंडिया पे पड़ सकता है, उस पर भी नजर रख सकते हैं। और ये लेकिन निवेश की दृष्टि से नजर रखेंगे तो मुनाफा अधिक होगा। जी अखिलेश जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो आज कुछ ऐसा रह सकता है शेयर बाजार और कम्युनिटी बाजार। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर, बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।